अभी बैक टू बैक दो मूवीज का टीजर एंड ट्रेलर आया। पहला तो है किल, सेकंड है रुसलान। तो चलिए बात करते हैं कैसी है ये दोनों चीजें। शुरुआत करेंगे हम किल मूवी के टीजर के साथ, जिसका लोगों में अलग ही लेवल का हाइप है और इसका टीजर भी इतना ब्रूटल है कि आपकी फटी की फटी रह जाए। इसके स्टार्टिंग में एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि नमस्कार, कृपया यात्रा के लिए तैयार रहें, आपकी यात्रा सुरक्षित, सुखद और मंगलमय हो। बट इसके जस्ट आगे देखें तो इतने ब्रूटल सीन्स देखने को मिलते हैं जिनसे आपका दिल दहल जाए। चाहे वो किसी की आंख में छुरा घुसा देना या फिर पीठ में ही चाकू गोप देना या फिर वो एंड वाला गैस की पाइप लेकर उसके सीधा मुंह में घुसा देना, इन सीन्स को देखकर भाई लिटरली मुझे गूजबम्स आ रहे थे। बाकी टीजर को देखकर मंकी मैन एंड जॉन विक वाली वाइब आ रही है, क्योंकि इसके ध्यान से सुनोगे तो पता चलेगा कि इसका बीजीएम मंकी मैन के बीजीएम से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, जो कि टीजर में आप नोटिस भी कर सकते हो। पूरी मूवी की स्टोरी इसी ट्रेन की इर्द गिर्द घूमती रहेगी, जिसमें हमें ड्रामा प्लस एक्शन प्लस थ्रिल देखने को मिलेगा। मे बी मूवी आप एक्शन के लिए देखने जाओगे एक्टिंग के बजाय, क्योंकि इसमें लक्ष्य लालवानी एक नए एक्टर हैं जिन्हें मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। और इसमें राघव जुयाल भी हैं, मतलब वो बंदा जो डांस प्लस में दिन रात स्लोमो करता रहता है। मे बी ये विलन के कैरेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। इस मूवी का प्रीमियम पिछले साल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस के एक सेशन में हुआ था। किल मूवी उन 10 मूवियों में से एक है जिन्हें वहां दिखाया गया था। अगर बात करें रुसलान मूवी के ट्रेलर की तो इसका प्रमोशन भाई खुद सल्लू भाईजान कर रहे हैं। साले का पिक्चर आ रही है करके, अरे सॉरी जीजे का पिक्चर आ रही है करके। ट्रेलर से पता चल रहा है कि अपना हीरो पहचान बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। और इसके ट्रेलर में जो एक्शन सीन्स है वो अच्छे खासे हैं, बट बंदे का एक्सप्रेशन हर जगह सेम ही है। और एक जगह तो ये टाइगर वाला एक्शन सीन्स करते दिखते हैं जिसमें वो चिल मोड में गुंडों को मार रहे होते हैं। और इसमें लीड रोल में है आयुष्मान शर्मा और श्रुषि, जिनका इस मूवी के साथ फिल्मों में डेब्यू होने वाला है। और ट्रेलर को देखकर मूवी की स्टोरी का पता चल रहा है कि आयुष शर्मा का पास यानी बचपन भी अच्छा नहीं होगा, उसे कुछ बच्चे मिलकर कूट देंगे। आगे जाकर वो शायद एक म्यूजिकल टीचर और सीक्रेट ऑफिसर होगा, क्योंकि एक जगह वो कहता हुआ दिखता है कि थक गए हूँ डैड पहचान छुपाते छुपाते, यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। तो मे भी यहाँ पर पुलिस यूनिफॉर्म की ही बात हो रही होगी और वो एक सीक्रेट ऑफिसर होगा, क्योंकि उसके डैड भी एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो होता है जगपति बाबू का कैरेक्टर, ताकि वो उन लोगों को जवाब दे सके जो उसे तकलीफ दे रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये तो आपको मूवी पता चलेगा। वैसे इसमें सुनील शेट्टी का कैरेक्टर भी है। ट्रेलर में हमें अच्छे अच्छे एक्टर देखने को मिले हैं, तो मे बी मूवी हिट हो सकती है, क्योंकि आयुष शर्मा की पिछली मूवीज देखे तो उतनी खास नहीं रही है। मतलब वो बंदा अपनी रियल लाइफ में भी अच्छी खासी पहचान नहीं बना पाया है। अंतिम में भी वो सलमान खान के जीजा होने के कारण लाइमलाइट में आया था। वैसे देखते हैं कि ये बंदा कमबैक कर पाता है या नहीं।